रामू नाम के एक गरीब किसान रहता था जो कि और कुछ दिनों से काफी परेशान था। रामू इसलिए परेशान था कि उसका एक खेत जंगल के किनारे था। उस जंगल में से कुछ जंगली जानवर आके रामू के खेत के फसल सारा खराब कर देते थे और इसीलिए रामू काफी ज्यादा कुछ दिनों से परेशान था। रोज की तरह आज भी रामू जाता है अपने खेत को देखने के लिए। रामू जैसे ही खेत में पहुंचता है तो रोज की तरह जैसे जंगली जानवर रामू की फसल खराब करते हैं, उसी तरीके से आज भी फसल उसका खराब करते नजर आते हैं। और यह देख रामू फिर से घर वापस लौट आता है। उसके अगले दिन रामू अपने घर के सामने बैठकर नदी की तरफ देखते हुए यह सोचता है कि इस जंगली जानवर से मैं कैसे छुटकारा पाऊं। घंटों बाद सोचने के बाद रामू को कोई इस समस्या का हल नहीं मिलता है और दुखी मन से रामू नदी की तरफ देखने लगता है। रामू अभी नदी की तरफ देख ही रहा होता है तभी नदी के अंदर से एक जलपरी बाहर आती है। रामू यह देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। तभी जलपरी रामू से कुछ बोलने लगती है। रामू, मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रही हूँ, तुम बहुत दिनों से उदास उदास नजर आते हो, आखिर समस्या क्या है ये मेरे को बताओ। हे जलपरी रानी, दरअसल मैं इसलिए परेशान रहता हूँ, मेरा एक खेत जंगल के किनारे है, उस जंगल में से कुछ जंगली जानवर आके मेरा खेत का फसल खराब कर देते हैं, इसी की वजह से लेकर काफी ज्यादा मैं परेशान हूँ। अच्छा, इस बात से तुम काफी ज्यादा परेशान थे, अब परेशान मत हो, मैं तुम्हें अपनी ये जादुई छड़ी दे देती हूँ। इस जादुई छड़ी को अपने खेत में ले जाकर गाड़ देना, इसके वजह से तुम्हारे खेत में कोई भी जंगली जानवर नहीं आएगा और जिसके वजह से तुम्हारा कोई भी फसल खराब नहीं होगा। अगले दिन रामू जलपरी के कहे अनुसार खेत को बीचों बीच लाकर जादुई छड़ी को गाड़ देता है। उसके बाद रामू फिर से अगले दिन आकर अपने खेत में देखता है तो एक भी खेत में जानवर नहीं दिखते हैं, जिसकी वजह से रामू काफी ज्यादा खुश हो जाता है।